प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल VTV ओडिया एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो एक साल से ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस एक साल से ज़्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन्स को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन्स को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। इन मास्क को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबॉर्ट्री, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेडीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के DG डॉक्टर सुमानी को भी बधाई देना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस एक साल में जो फेज़ वन से शुरू होकर और फेज़ टू थ्री तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। एक साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जितनी उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।